वेपन स्विच का कमाल दिखाऊं। साउंड 17 एक्शन म्यूजिक। ओ भाई ये क्या है? मैजिक। क्यों हिला डाला ना? तो भाई लोग वेपन स्विच यूज करने का मैं आप लोगों को कुछ ऐसे निंजा टेक्निक्स बताने वाला हूँ जिसके यूज से आप लोग आसानी से 2 फिंगर या 3 फिंगर में इजीली तरीके से वेपन स्विच का यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आपको ऐसा बोनस सीक्रेट बताने वाला हूँ जिसका यूज करके मैंने आसानी से 3 फिंगर में वेपन स्विच का यूज कर लिया। फ्री फायर के बहुत सारे प्लेयर्स तो वेपन स्विच का यूज करना चाहते हैं बट वे कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन से टिप्स को फॉलो करें जिससे आसानी से वे वेपन स्विच का यूज कर लें। एंड बहुत सारे प्लेयर्स के मन में डाउट रहता है कि कहीं हम वेपन स्विच का यूज करेंगे तो हम लोग का गेम प्ले पहले से और ज्यादा खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद से आप लोग वेपन स्विच को आसानी से यूज करने लगोगे। अच्छा, बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो पहले मैं आप लोगों को वेपन स्विच के 3 ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग दौड़े दौड़े वेपन स्विच का यूज करने लगोगे। मुझे सुनना ही नहीं है। अरे भाई पहले सुन तो लो, तुम लोग ना चाहते हुए भी वेपन स्विच का यूज करोगे अगर तुम लोगों ने इन 3 बेनिफिट्स को देख लिया तो। सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है? तो वेपन स्विच यूज करने से जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है फास्ट मूवमेंट। तो आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा मैं कैसे इस पुतले को लगातार वेपन स्विच की मदद से इतने फास्ट मूवमेंट के साथ इतनी अच्छी तरीके से हेडशॉट लगा ले रहा हूँ। ये सारा कुछ पॉसिबल है वेपन स्विच की मदद से, बिना वेपन स्विच के आप इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप लोग वेपन स्विच पे अच्छे से हैंड सेट कर लेते हो देन आप लोग देखना आप लोगों का गेम प्ले कितना फास्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको अपने खुद के गेम प्ले पे बिलीव नहीं होगा कि भाई तुम खेल रहे हो। तो यस गाइस, वेपन स्विच की मदद से गेम प्ले भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 2 की, जो होने वाला है एक्यूरेसी। तो वेपन स्विच की मदद से कहीं ना कहीं एक्यूरेसी भी इंक्रीज होता है क्योंकि जब आप लोग फायर करते हो फायर करने के बाद इस बॉक्स से आप लोग गन को स्विच करते हो, इससे होता क्या है कि आप लोग सही से ड्रैग नहीं कर पाते हो, आप लोग जल्दबाजी में इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देते हो जिससे आप लोग आधा अधूरा ड्रैग करते हो और सही से ड्रैग ना होने के कारण आप लोगों का बुलेट ज्यादातर एनिमी के बॉडी पर ही लॉक हो जाता है। जब आप लोग वेपन स्विच का यूज करोगे तो आप लोग फायर बटन को अच्छे से ड्रैग करोगे एंड ड्रैग करने के तुरंत बाद आप लोग वेपन स्विच वाले बटन पे क्लिक कर दोगे एंड इसमें आपको कोई भी जल्दबाजी नहीं होगी, आप लोग अच्छे से सही प्रोसेस के साथ ड्रैग कर पाओगे। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे बेनिफिट की, जो है एम लॉक। तो वेपन स्विच की मदद से ऑटोमेटिक बुलेट एनिमी के हेड पर लॉक हो जाता है, आप लोग ट्राई करके देख लेना। ठीक है समरिया। तो अब बात करते हैं उन टिप्स की जिसे फॉलो करने के बाद आप इजिली वेपन स्विच का यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका बेस्ट पोजीशन बता देता हूँ। तो बहुत सारे प्लेयर्स 3 फिंगर में दूसरे बटन का यूज करते हैं, उसके लिए अगर आप चाहो तो इसे 2 फिंगर में भी यूज कर सकते हो। 2 फिंगर का बेस्ट पोजीशन देख लो एंड इसे अगर आप 3 फिंगर में यूज करना चाहते हो तो इसका भी बेस्ट पोजीशन देख लो। पोजीशन तो आप लोगों ने देख लिया, अब बारी है इस पे अच्छे से हैंड कैसे सेट करना है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले किसी 2 गन को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद आपको गन्स को जल्दी जल्दी कुछ इस तरीके से स्विच करना है जिससे आपका फिंगर जल्दी से वेपन स्विच पे टच रिस्पांस बेटर कर पाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको रन करके स्विचिंग का प्रैक्टिस करना है जिससे आप लोगों का राइट फिंगर एंड लेफ्ट फिंगर दोनों अच्छे से वर्क कर पाए एंड उसके बाद आपको जंप करके स्विचिंग का प्रैक्टिस करना है। इससे होगा क्या कि आप लोग जंप बटन के साथ साथ वेपन स्विच पे अच्छे से हैंड सेट कर पाओ। जब आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लो फिर उसके बाद आप फायर करो एंड फायर करने के बाद स्विच का प्रैक्टिस करो। अगर आप वेपन स्विच का यूज करना चाहते हो तो आपको 2-3 दिन तक इतना ही प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना है। थैंक्स। एंड जो बोनस टिप्स मैं आप लोगों को बताने वाला था, इसमें आप लोगों को एक नूब अकाउंट बना लेना है। इससे होगा क्या कि आप लोग नूब अकाउंट में जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका गेम प्ले नूब जैसा होगा एंड आप मेन अकाउंट से टेंशन फ्री होकर अच्छे से गेम प्ले कर पाओगे। तो यस गाइस, नूब अकाउंट बनाना बहुत ही जरूरी है अगर आप लोग वेपन स्विच पे अच्छे से हैंड सेट करना चाहते हो तो। इसमें आप लोगों को ना अपने मेन अकाउंट की तरह रैंक की टेंशन होगी ना लेवल की। इस टिप्स को मैंने खुद से फॉलो किया है एंड उसके बाद जाके मैंने वेपन स्विच पे अच्छे से हैंड सेट कर लिया। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसके बिना आप लोग वेपन स्विच पे अच्छे से हैंड कभी भी सेट नहीं कर सकते। आप लोगों को कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है। आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, ये काफी मुश्किल काम है। आप लोग जब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 2-3 दिन में आप लोगों को इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप गाइस अब आप लोग इसके बाद वेपन स्विच पे अच्छे से हैंड सेट कर लोगे एंड अभी तक आप लोग इस वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।